भाई तो आज हम सीबीटी 2 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। फर्स्ट शिफ्ट मैंने ऑलरेडी आपको प्रेजेंट कर रखा है तो वो देख लीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें पूछा गया था आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम सबको पता होगा। डी डुबे ने इसकी खोज करी है, मैंने आपको पहले भी बता रखा। प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाता तो वो राइबोसोम्स हो जाता जिसको आप प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसकी जिसकी खोज किसने करी, जी पैलेट ने करी है। वेरी इजी इजी क्वेश्चन, ये आपके सेल से बनते हैं क्वेश्चन। सेल की खोज पूछा जाता तो फादर ऑफ सेल कौन कह जाते हैं, रॉबर्ट हुक कह जाते हैं, जिन्होंने जो है कि डेड सेल्स की खोज करी थी। लिविंग सेल्स पूछा जाता तो वो लियोन हॉक ने करा हुआ है, जिन्होंने आपकी खोज करी है लिविंग सेल्स की, जो कि पूछा जा सकता है। एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं आपको। अगर आपको रेसिपरेशन हाउस पूछा जाए, रेसिपरेशन सेंटर पूछा जाए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता। अल्टमैन ने खोजा, बेंडा ने नाम दिया, वो पूछा जा सकता है आपको। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। केंद्रक हो जाता आपका न्यूक्लियस, जिसकी खोज जो है कि रॉबर्ट ब्राउन ने करी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैनेजर ऑफ सेल्स कहा जाता है। उसके अलावा आपका गॉल्गी बॉडी बनती है, जिसकी खोज बस्ती है, गॉल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गॉल्गी ने करी, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है यानी ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये क्वेश्चंस बनते हैं आपको। एजेंडा 21 में 21 का मतलब क्या है, उसका मतलब हो जाएगा गोल, ध्यान रखिएगा। कौन सा पोर्ट गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के बना है, वो हो जाएगा कोलकाता। पूछा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू करा था, डलहौजी। डलहौजी को नए भारत के निर्माणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिक सिटी के लिए भी डलहौजी को जाना जाता है। पोस्ट ऑफिसेस के लिए डलहौजी को जाना जाता है। रेलवेज के लिए डलहौजी को जाना जाता है। ध्यान रखिए 1848 से 1854 तक शासन काल हो जाएगा आपको। प्लस मैंने आपको बहुत सारे जो है कि गवर्नर जनरल बता रखे हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे सीपीसी धारा के पूछा, सीपीसी से ऐसी धारा के लिए पूछा जाएगा तो कैनिंग हो जाएगा, कैनिंग को जाना जाता है। यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए पूछा जाएगा तो कर्जन को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना पूछा जाएगा, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसे जाना जाता है तो क्लाइव को जाना जाता है। सिविल सर्विसेज के लिए पूछा जाएगा या फिर परमानेंट सेटलमेंट के लिए पूछा जाएगा तो कार्नवालिस को जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। सब्सिडरी अलायंस के लिए पूछा जाएगा, नहीं सहायक संधि के लिए वेलेजली को जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन बनाया गया है। कॉमनल इलेक्टर्स के लिए पूछा जाएगा, सांप्रदायिक चुनाव के लिए पूछा जाएगा तो ये जाना जाता है आपका, मुनरो को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। एक सॉरी मिंटो को जाना जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आप रैयतवाड़ी के लिए मुनरो को जाना जाता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। सेंसस के लिए पूछा जाएगा तो मेयो को जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, बनाए गए हैं। सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा हो जाएगा, धारावी। कई बार पूछा गया सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा हो जाएगा। 2021 के अनुसार विश्व में भारत की मछली उत्पादन कितने प्रतिशत भाग है, 7.7% भाग है, ये भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में, सारा आर्टिकल मैंने पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। 60-52 में आर्टिकल 52वें में राष्ट्रपति होना चाहिए, 53वें में पावर, 54वें में जो हो जाएगा राष्ट्रपति एज अ पर्सन, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 60 में शपथ हो गया, 61वें में इम्पीचमेंट हो गया, महाभियोग हो गया, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। 72वें में पार्डन पावर हो गया। उसके अलावा 85वें में पूछा जाएगा लोकसभा का विघटन हो गया। उसके अलावा 111 में पूछा जाएगा तो वीटो पावर हो गया, ये सब बनाया जा चुका है। मीराबाई जो कि कृष्ण की भक्ति, वो किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है मेवाड़ से। और उसके अलावा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लेमिंगो पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा गया है। पनामा नहर किस राज्य को जोड़ती है अमेरिकी उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से, वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा संरक्षण 2019 के लिए सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा कि वाटरलैंड्स के लिए, अगर पूछा जाएगा वेटलैंड्स के लिए बेसिकली पूछा जाएगा तो उसके लिए पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बन सकता है आपका रामसार साइट जिसके लिए शुरू किया गया। मेघदूत किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। कौन सी किताब कालिदेस के द्वारा नहीं लिखी गई, तो देखिए बहुत सारी किताबें मैंने आपको बता रखी हैं बुक्स की, कौन कौन सी कालिदेस के द्वारा लिखी गई हैं। मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मालविका के मित्रम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये सब जो है वो कालिदास जी के द्वारा लिखी गई, जो नहीं इसमें रही होगी वही जो है कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई होगी। राज्य के उच्च न्यायालय की रीट संविधान किस अनुच्छेद में, 226, ये ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, जो कि 36 से 51 आर्टिकल में मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा, भाग 4 में रखा गया, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। 2021 के अनुसार भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। होम सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो ए के भल्ला हो जाएंगे, ये भी पूछा गया आपको, कई बार पूछा गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो राजीव गाबा हो गए, ठीक है, चेंज नहीं होंगे तो यही होंगे आपके, ठीक है। किसने ऑल इंडिया रेडियो में 1948 1956 में काम किया और एक सितार वादक भी थे? रवि शंकर जी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नौरल अल मतरेशी किस देश की तरफ से स्पेस में गई थी? तो वो हो जाएगा यूएई। होप पोर्टल भी किसने लॉन्च किया था? तो यूएई ने ही लॉन्च किया था। खुशहाल इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो फिनलैंड रहा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। रैंकिंग पूछा जाएगा तो 136। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा जा सकता है आपको। जो है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में भी। किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? आर अश्विन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 2021-22 में लगातार दो बार किसने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो वो हो जाएंगे पोलैंड के फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। इस बार इनको जो है कि सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है लॉरियस अवार्ड, उसमें जो है कि एक्सेप्शनल प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया है। पाइका विद्रोह, ध्यान रखिएगा, 1817 में कहाँ पे शुरू हुआ था? उड़ीसा में शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्र प्रदेश का कौन सा त्यौहार जिसमें छड़ी का उपयोग किया जाता है? वो हो जाएगा कोलनाल्लू, पूछा गया है। एनएसीएल का परमाणु भार कितना होगा? 58.43, लेकिन आपको 58 ही दिया गया था, तो अप्रॉक्स दिया गया था, ध्यान रखिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा, कई बार मैंने पढ़ा रखा है। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। 1997 में सरकार द्वारा जो स्कीम SJSRY का लॉन्च किया गया था, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये 1997 में सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम थी। राइट एजुकेशन में कितने साल के बच्चों को रखा गया? 6 से 14 साल के बच्चों को रखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर पश्चिम में वर्षा किस विक्षोभ में आती है? पश्चिमी विक्षोभ में आती है। एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। चाप चार कूट पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। जोरम थंगा यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। CRR का मतलब क्या होता है? भारत में बैंकों अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। उनकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नगद जो आरक्षित अनुपात होता है, उसी को CRR के रूप में जाना जाता है। एक बैंकिंग टर्म या इकोनॉमिकल टर्म आपको जरूर पूछा जा रहा है, मोस्टली पूछा जा रहा है टाइप्स के बारे में, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप्स है, उनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये देखिए, सेकंड सेट के कुछ क्वेश्चंस मिले थे, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी थे, ऑप्शंस दे, अगर उसमें पूरे प्रॉपर क्लियर नहीं थे इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स दी है उसी के आसपास मैंने आपको वीडियोस भी अलग अलग वीडियोस प्रेजेंट कर रखे हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक प्रेजेंट कर रखा है आपको, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट कर रखा है, अवार्ड प्रेजेंट कर रखे हैं, स्पोर्ट्स प्रेजेंट कर रखा है, सब प्रेजेंट कर रखा है। एक बार जरूर जा करके देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए, अगर एग्जाम आपका आने वाले सेशंस में है तब। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।